मैं बताता हूँ। एक है हम जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत और करने का एक क्या? है ये। वो अभी स्विम करने जाएंगे थोड़ी देर, तो उसके बाद ही लंच ब्रेक। यार ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है एक्चुअली 2 दिन से। हाँ ब्रेकफास्ट 2 दिन से करा ही नहीं है। एक दिन पहले दिन आए थे, जिस दिन उस दिन मतलब हम ज़्यादा जल्दी आ गए थे चेकआउट करने से। चल 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 स्विमिंग कर, फिर बात करते हैं। चलो ये साला व्लॉग करने लग रहा था आराम को, मेरी बातें काट रहा था, मेरी बात पेंट उतार। सो गाइस अब वापस आ। इज इट माइन? सारे बीच बीच हो के मस्त आ चुके हैं घर पे, और मस्त मतलब ये मान लो पूरे दिन का जो मतलब पूरी रात का जो वो होता है ना, क्या बोलते थे, सुरूर, पूरी रात का जो सुरूर था वो यहाँ जाके उतार रहे हैं। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने वापस पूल पे, और गला थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है। एंड इसको देखो ये बहुत देर से कर रहा था, ठंडा होगा गर्म होगा। अब फाइनली गिर चुका है। मस्त ना गर्म है ना। मुझे 45 मिनट हो गए पूल के अंदर, और मस्त नहा धो के अब क्या, पैर पे गिरते हुए तो नहीं लगी होगी यार, इतना तो कुछ नहीं था। मुझे पता है टेंशन क्या थी, मैं बहुत देर से सोचता था तेरे को गेरू, बट मुझे टेंशन थी तो मेरे को ना खींच ले, मेरे इसका गोप्रो का कवर नहीं है, मैंने कहा फक हो जाएगा सीन भाई साहब। कोई बात नहीं, फिर डाइव मारेंगे, अभी अभी रख के मारते हैं। एलविशर अपने उस पर क्या कहते हैं होटल वटल पर पहुँच गए, हम मिल लिए थे वो, मैं फिर व्लॉग करना भूल गया। खैर जो भी है, चलो आज शाम को या दोपहर को मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, जो भी उनका सीन होगा उस हिसाब से शेड्यूल रखेंगे एंड मिलते हुए चलेंगे। आज हमारा 2-3 प्लान है, और पता नहीं वो सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, लिटरली नहीं पता कि सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। अब डाइव मारते हैं, कूदते हैं, फिरते हैं और मज़े करते हैं। चलो क्या देखिए, हमारा आ चुका है ब्रेकफास्ट भाई। सुबह सुबह ना पागल हो गया है क्या भाई, जो मतलब ऐसे टाइम का जो ब्रेकफास्ट है ना, ओहो मजा ही आ जाए मेरे। ओहो मस्त 1 घंटे का स्विम किया, 1 घंटे स्विम किया, अब खा रहे हैं हम पोहा, और इसके बाद हम निकलेगा। भैया नींद तो नहीं आ रही है? मेरे को नींद आती है, मजाक सेट के पूछ रहा हूँ। एक बार सो गया तो आ जाती है वैसे। नहीं अब नहीं आई ना, अभी चल लेंगे। सो गाइस अभी अभी स्विम करके आए हैं, एंड नाउ वी गोना हैव आवर ब्रेकफास्ट। सो गाइस हियर वी गो। इस टाइम मेरा टाइम दिखाऊं तुम्हें? ओ मेरी गाड़ी चालू है ब्रो, चलो चलो ले चलो। सो इनकी जरूरत क्या, मैं पूछ रहा था। सो दिस इज माय लुक फॉर टुडे। ऐसा हो रहा हूँ मैं भाई साहब, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं। यार हमने रूम चेकआउट कर दिया है, और आज हम रुकेंगे मे बी एक अनजान टापू पे, मतलब थोड़ा सा दूर है जहाँ पे मोहित के पास गए थे ना, वहाँ पे रुकने का प्लान बन रहा है, क्योंकि बड़ी यार पीसफुल सी जगह थी वो, आराम से मतलब मजे वाली जगह, क्या रह सकते हैं प्यार से। ये तो हमने इमरजेंसी में करवाया था, बिल्कुल इमरजेंसी में, मतलब एंड पॉइंट पे यहाँ पे पहुँचे थे, और यहाँ पहुँचने के बाद करवाया हमने, जैसे कि मैंने बताई थी भाई लास्ट टाइम यहाँ तक पहुँच गया, और हमारे पास नियर पे रूम ही नहीं है, तो इस चक्कर में करवाया था। हाँ ये देखो एक बार लाइफ में वो मेरे को वो वाला ट्रिप जीना था, जिसमें एक लग्जरी तरीके की पूरी वाइब हो, महंगे महंगे होटल और गाड़ी वाड़ी, ये का नंबर मतलब अपने लेवल में जितना हो सके उतना बढ़िया। तो मैं आया भी था एक बार गोवा में, वो मैंने व्लॉग नहीं किया था, लेकिन वो इतना महंगा होटल लिया था हमने, और सही बताऊँ तो इसी के नेड़े गेड़े था भाई वो, मतलब इतना ही था, इससे कोई ऐसा नहीं था, कोई बहुत ही ज़्यादा हाइप था, मतलब नाम उसका बहुत बड़ा है यहाँ पे, मैं था ऐसा सही यार हूँ। और उस टाइम जो मैंने लग्जरी के चक्कर में जो मैंने पैसों की एस्तेजी की थी ना, मैं कहा नहीं आज के बाद नहीं करेंगे। ब्रो क्या कर रहा था पीछे तू? वो तो क्लिप में देखी। थैंक यू भैया, चलो आ जा। तो ओह यार यहाँ बाकी छोड़ सारी चीज, यहाँ एक सनस्क्रीन की बहुत ज़रूरत थी, हाथ काले हो चुके हैं, ये धूप में दिख नहीं रहे।
लो आज। Or not? Is this open or not? मैं एक चीज़ बोलना चाहता था, मैंने कहा भाई यहाँ पे आने के बाद है ना, मतलब अगर आप पार्टी वाले मूड में आए हो ना और पार्टी कर रहे हो तो मतलब आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो मेरे ख्याल से ना टाइम ही नहीं मिल पाता, जब टाइम मिले तब आप एडिटिंग करते हो। तो मेरे को अभी भी जस्ट टाइम मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से एक व्लॉग अपन करके एडिट एंड जल्दी से उसे अपलोड कर देता हूँ, बिकॉज आज का व्लॉग नहीं डाला मैंने। तो जो भी है, मतलब फर्स्ट डे का जब मेरा फ़ोन चोरी हुआ था ना, उस दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, रात को बात की थी बस, वो वाला एडिट करता हूँ। दिल पे दर्द होएगा देखते हुए कि मेरा फ़ोन उसी टाइम चल जाता है। चलो देखते हैं, इसका डाटा डालता हूँ। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें पहुँचना था, मतलब हमने अभी फ़िलहाल एक और रूम चेक इन किया है। यहाँ का जो व्यू है ना, जस्ट लुक एट दिस व्यू, मतलब आज से 5 साल पहले किए थे वाटर स्पोर्ट, और आज जाके सोच रहा हूँ कि क्यों ना वाटर स्पोर्ट किए जाए। जो लास्ट टाइम हमने फ्लाई बोर्डिंग की थी, मतलब मैंने जो की थी वही करने जाना था, लेकिन इस टाइम इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है भाई वो, और मैंने कहा नहीं वो नहीं करेंगे। हाँ बढ़िया जगह है ये देखो, बताता चलता हूँ। मेरा तो मन है साला ऐसी जगह पर आओ, मतलब अपनी कर लूँ एक जगह और वहाँ रहना स्टार्ट कर लूँ। ये देखो, भैया यहाँ मैं लेट हुआ, यहाँ तो लेटेगा ठीक है, हाल तो काम कर रहा हूँ। यहीं पे है क्या रूम वगैरह? यहाँ पे फिलहाल कंपेयर टू जिसमें हम होटल में रुके हुए थे उससे बेटर है यहाँ पे नेट, इसके अलावा वहाँ नहीं जाना, वहाँ बस एक चीज़ बढ़िया थी स्विमिंग पूल। सही कह रहा था भाई, तो सही कह रहा था। हाँ बड़ा सही सनसेट दिखेगा, देखो कितना प्यारा लग रहा है इसमें, पूरा येलो बस, ये नीचे का पार्ट थोड़ा सा खराब हो गया, ओवरऑल बढ़िया। ये ना वो कौन सा था, कर्लीज, हाँ ये रहा। तो गाइस यहाँ पे ही आए थे हम उस टाइम, मतलब दिख नहीं रहा हूँ आपको, बट हाँ यहीं पे आए थे यार। इतना खास नहीं लगा मुझे कर्लीज, है ना, बिना मतलब की एंट्री थी क्या इसकी? भाई आज का पूरा दिन मस्त चिल किया इधर से उधर, ज़्यादा मतलब वो पार्टी वाला मतलब जो मोड था ना वो हमने थोड़ा सा शांत किया, और यहीं बीच साइड घूमे हैं अभी फ़िलहाल, नीचे घूम के आया था। हॉस्टल है, हॉस्टल में रुके हैं आज हम, वो हॉस्टल में रहता है तो वहीं पे ही आज उसने मतलब खुद ही बोला कि यहाँ रुक जाते हैं, मैंने कहा आज हमारे पास रूम भी नहीं है तो हॉस्टल में रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज हम हॉस्टल में रुक रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पैसे बचेंगे 2-3। बाकी ये खड़ी अपनी गाड़ी, यहाँ मैं बैठा हुआ था थोड़ी देर ऐसे, लाइक ऐसे बैठा हुआ था, और यहाँ से मैं सनसेट का मज़े ले रहा था मस्त, मतलब कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर रहा बट सुकून है भाई। एक नंबर लग रहा है, एक नंबर हाँ, सेक्सी लग रहा है भाई यहाँ का मौसम इस टाइम। यहाँ पे छोड़े से अरे नहीं, काटना नहीं है बस, बाकी ठीक है सब। आओ मैंने बोला ना काटना नहीं है। भाई आराम से चलाने, मतलब लास्ट टाइम जब अपनी कार लेके आया था उस टाइम भी
यही बात बोली थी। और इस टाइम मतलब कोई भी गाड़ी चलाते टाइम, गाड़ी मतलब बाइक एक्टिवा चलाते टाइम तो ठीक है, हाँ मज़ा आता ही है, लेकिन गाड़ी चलाते टाइम अलग ही फील आती है कि हाँ भाई कहीं तो घूम रहे हो तो। देखना जरा। तो भाई आज फाइनली इतने दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद, मतलब जब से आए हुए हैं तब से उसका जाने का टाइम हो लिया। अभी फिलहाल एल्विस के पास जा रहे हैं, मतलब मिल तो लिया हम दो तीन बार, पर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। मैंने कहा चलो आज करेंगे, बताएंगे बैठ के बात करेंगे। तीसरा फ्लोर दबाए ना, बड़ी आराम से चल रही है। उसने तीसरा बताया, बाकी मुझे बताने। हम जा रहे हैं अब दुबई। दुबई? अभी दुबई तो जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है भाई। कितने कितने स्टॉप है उसमें? नागपुर एक स्टॉप। नागपुर तो रुकेंगे, कंफर्म है भाई। हमारी फ्लाइट बिजनेस क्लास हम लेट हो जाएंगे, ठीक है? चलो ब्रो, चलो ओके ब्रो, मिलते हैं। 3 बजे की फ्लाइट वैसे बड़ी ले ली भाई, 3 बजे की फ्लाइट। मैं बताता हूँ, एक है हम जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत, और एक है ये उससे ज्यादा मेहनत भाई। ये मेहनत, एक मिनट, ये मेहनत है।